हेलो एवरीवन वेलकम टू चैनल ऑफ के वी टीचर्सूडी वेरी फर्स्ट इंग्लिश आइसक्रीम आइसक्रीम मैन जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे इज वेरी पॉपुलर अमंग चिल्ड्रेन स्पेशली इन समर सीजन समर्स में बहुत पॉपुलर होता है ये बच्चों के बीच में तो देखते हैं कि पोएम में क्या दिया हुआ है आपको सबसे पहले तो जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आपके उनके मतलब आपको बताए जाएंगे जिससे कि जब पोयम में वो वर्ड्स यूज हो

यानी कि ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर आग की जो लपटे होती है उसको ब्लेज कहा जाता है सेकंड इज कार्ट कार्ट बोलते हैं गाड़ी को जो कि हाथ से चला के आइसक्रीम मैन अगर आपने देखा होगा उसका जो कार्ट होता है ठेला ज़्यादा अच्छा वर्ड यूज़ रहेगा इस, इसको अगर हिंदी में एग्जैक्टली exactly ट्रांसलेट करें तो ट्रंडलिंग ट्रंडलिंग बोलते हैं पहियों पर चलती हुई कोई चीज़ जब आती है ट्रंडल करते हुए बिनीत मतलब नीचे जॉयफुल खुशी से भरा हुआ जिसको देख के आपको अच्छा लगे माउंट्स बोलते हैं ढेर को बाकी इसका मीनिंग आपको पोएम में ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कौन कौन सा आपने देखा होगा वैसे ही आपकी फिफ्थ क्लास की मैथ्स की शेप भी है ये कॉनिकल शेप होती है थ्री डी शेप में अगर आपने पढ़ी हो और वैसे आप आइसक्रीम कोन के बारे में तो जानते ही होंगे चिली चिली मतलब होता है ठंडा कोल्ड फ्रॉस्टी फ्रॉस्टी फिज फिज बोलते हैं हम लोग एक आपकी सोडा ड्रिंक होती है फ्रॉस्टी फिज ये एक्चुअल वर्ड यूज है वैसे फ्रॉस्टी अलग से बता देते हैं फ्रॉस्टी मतलब होता है ठंडा ओके आई सी बिल्कुल फ्रॉस्टी फिज अगर आपने देखा होगा सोडा ड्रिंक जिसमें कि बबल्स आ रहे हो जो बहुत ठंडी होती है उसको फ्रॉस्टी फिल्स कहते हैं फ्लावर बेड फ्लावर बेड मतलब फूलों की क्यारी जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं क्लस्टर हो जाना इकट्ठा हो जाना थिक थिक मतलब मोटा भी होता है लेकिन यहाँ पर थिक यूज़ हुआ है इन मैनी नंबर्स बहुत सारे नंबर्स में जब कहीं लोग इकट्ठे हो जाते हैं थिक उसके लिए यूज हुआ है ओके okay? तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से सभी वर्ड मीनिंग देख लीजिए अब हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट पोएम आइसक्रीम मैन रीड एंड एन्जॉय पढ़िए और इन्जॉय करिए सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है वॉट इज कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू टेस्ट कौन सी वो चीज़ है जो कोल्ड होती है स्वीट होती है मीठी भी होती है ठंडी भी होती है क्रीमी भी होती है और टेस्ट में भी वंडरफुल होती है ऑब्वियसली आइसक्रीम एवरी वंस फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन हॉट समर डेज सबकी फेवरेट ट्रीट होती है वो स्पेशली अगर गर्मियों के दिन है इज एन आइसक्रीम ओके एंड एवरी वन फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन और सभी का फेवरेट पर्सन उस टाइम पे आइसक्रीम मैन होता होगा ऑब्वियसली चलिए फर्स्ट पैराग्राफ वेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट द आइसक्रीम मैन विद लिटिल कार्ट गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट वेन समर्स इन द सिटी जब सिटी में शहर में समर सीजन होता है गर्मियों के दिन होते हैं एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट और ब्रिक्स ब्रिक्स मतलब ब्रिक मतलब होता है ईटे ब्रिक्स ऐसी लगती है कि जैसे कि आग के लपटे खा रही हो मतलब कि बहुत गर्म हो रखी होती है ब्रिक्स दईसक्रीम मैन विद लिटिल कार्ट तब आइसक्रीम मैन आता है अपने छोटे से कार्ड को लेकर छोटे से ठेले को लेकर गोज ट्राउन द स्ट्रीट और उसके ठेले में नीचे क्या होते गाड़ी में उसके नीचे होते जो कि वो ट्रंडल डाउन करता हुआ डाउन द स्ट्रीट गलियों से गुजरता है ओकेफुल साइट टू सी हिम फिल द कोलिंग ब्राउन एंड व्हाइट उसके राउंड अम्ब्रेला के नीचे और उसको ऐसा देखना अपने अम्ब्रेला के नीचे वो आ रहा है अपने कार्ट में बच्चों के लिए बहुत ही जॉयफुल साइट होती है बहुत मज़ा आता है उनको ऐसे देखने में जैसा कि कहा भी गया पोएम के स्टार्टिंग में कि सबका फेवरेट पर्सन होता हो शायद से वो टू सी हिम फिल द कॉन्स विद माउंट्स अब देखिए माउंट्स क्या होता है ये कौन है आपने इसको आइसक्रीम से फिल किया फिल होगा यहाँ तक लेकिन अगर आपने देखा होगा आइसक्रीम ऊपर तक वो फिल करते हैं तो ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको माउंट बोलते हैं ओके तो कौन भरा हुआ है और ऊपर माउंट भी है मतलब ऊपर एक और इसने अगर शेप की बात करें एक स्पेरिकल शेप एक्स्ट्रा वो उसमें फिल कर देता है क्रीम तो uh, माउंट भी है ऊपर तक भरा हुआ है वो ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट ब्राउन और, और वाइट कलर की क्रीम से वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी ऑफ और, और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टिफिज ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन आपका बन जाए पहले तो कौन कौन से फ्लेवर्स हैं उसके पास वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी आप सबने सुनी ही सुने ही होंगे तीनों या फिर चिले थिंग्स टू ड्रिंक पीने के लिए कुछ ठंडी चीजें भी है उसके कार्ट में फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टिफिज फ्रॉस्टिफिज यानी कि जो कोल्ड uh, आपके सोडा ड्रिंक्स होते हैं वो भी है ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक और उनके कलर क्या है ग्रीन है ऑरेंज वाइट या फिर पिंक कलर के हैं हिस कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थनी बीज उसका कार्ट ऐसे लगता है उसका जो गाड़ी है उसका जो ठेला है ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई फ्लावर बेड हो फूलों की क्यारी हो अब फूलों की क्यारी क्यों कहा गया है और किन फूलों की क्यारी क्या कहा गया है ये दो नाम आप याद रखना रोजेस गुलाब या फिर स्वीट पी वैसे स्वीट पी का फूल होता है वैसे तो मटर बोलते हैं इसको मीठी मटर लेकिन इसका जो फूल होता है फ्लावर अगर आपने देखा हो उस पर क्योंकि बहुत सारी हनी बीज आती हैं स्वीट पी के ऊपर तो ऐसा लगता है कि जैसे रोजेज या फिर स्वीट पी का कोई क्यारी है फ्लावर बेड है और क्यों ऐसा लगता है क्योंकि जैसे स्वीट पीज और रोजेज़ के फ्लावर बेड पर हनी बीज जाती हैं मधुमक्खियाँ जाती हैं ऐसे ही बच्चे इसके चारों तरफ क्लस्टर होते हैं इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं द वे जिस तरीके से द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड बच्चे इकट्ठा होते हैं चारों तरफ एज थिक एज हनी बीज इतने नंबर्स में इतने थिकली जैसे कि हनी बीज जाती है तो ऐसा लगता है कि कोई फूलों की क्यारियाँ हनी बीज जा रही है ओके okay? सो so ये होपफुल जो कंपेरिजन किया गया है आप समझ गए होंगे ओके okay. पोएट का नाम जरूर देख लीजिए रेचल फील्ड अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर यह आपकी पोएम है रीड कर चुके हैं हम लोग वर्ड मीनिंग भी कर चुके हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सीज़न इज आइसक्रीम पॉपुलर मैं आपको आंसर प्रॉपर लिख के दिखा देती हूँ बिकॉज आपको आपकी कॉपी में भी लिखने होंगे और ये बहुत सिंपल वर्ड्स में जो आंसर है वो लिखे हुए हैं एक तो प्रैक्टिस कर लीजिए आप फिफ्थ क्लास में है तो वन वर्ड आंसर मत दीजिए वन सेंटेंस आंसर कंप्लीट सेंटेंस में आंसर दीजिए जैसे कि इन विच सीज़न इज आइसक्रीम पॉपुलर आइसक्रीम किस सीजन में पॉपुलर होती है तो सिर्फ समर सीजन ना लिख के कुछ पार्ट क्वेश्चन से उठा लीजिए कंप्लीट सेंटेंस आप लिखेंगे आइसक्रीम इज़ पॉपुलर इन समर सीजन गर्मियों के सीजन में आइसक्रीम बहुत फेमस होती है पॉपुलर होती है हु फील्स जॉयफुल ऑन सी इंग द आइसक्रीम मैन कौन है जो आइसक्रीम मैन को देखकर जॉयफुल फील करते हैं खुशी होती है किन को तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सी इंग द आइसक्रीम मैन नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन कार्ड कौन से आइसक्रीम के फ्लेवर्स उसके पास है तो तीन आपको बताए हुए हैं द आइसक्रीम मैन हैज़ वनीला चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द टू थिंग्स दैट आइसक्रीम मैन इज सेलिंग कौन सी दो चीज़ें आइसक्रीम मैन बेच रहा है सो द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग सबसे पहले आइसक्रीम एंड सेकेंड कोल्ड ड्रिंक्स कहा गया ना फ्रॉस्टी फिज तो मतलब कि वो सोडा ड्रिंक्स भी बेच रहा है व्ट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोयम पोयम में आइसक्रीम कार्ट को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है किससे उसकी तुलना की गई है सो द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू अ फ्लावर बेड उसको ऐसा बताया गया जैसे वो कोई फ्लावर बेड हो किसका रोजेज एंड आपके स्वीट पी का बस उतना लिखने की जरूरत नहीं है फ्लावर बेड भी आप लिख देंगे दैट इज सफिशियंट तो ये आपके पांच क्वेश्चन है ऑल फाइव क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट नेक्स्ट नेक्स्ट इज लेट्स राइट अब आपके कुछ एक्सपीरियंसेस पूछे जाएंगे उनके बारे में आपको लिखना होगा हैविंग एन आइसक्रीम ऑन हॉट समर डेज इज एक्साइटिंग एंड एंजॉयल ऑब्वियसली अगर गर्मियों में आपको आइसक्रीम मिल जाए तो बहुत एक्साइटिंग और इंजॉयबल होता है राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एंजॉएबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन विंटर सीजन विंटर सीजन में आप कौन कौन सी एंजॉयल या फिर कौन कौन सी एक्साइटिंग चीजें कर सकते हैं विंटर में वी कैन सिट अराउंड सिट अराउंड प्लेस या फिर आप फायर आके चारों तरफ आप बैठ सकते हैं एंड ईट पॉपकॉर्न या फिर कोई भी पॉपकॉर्न रेवडी या फिर पीनट्स आई एम श्योर ये सभी करते होंगे कि विंटर्स में आप मूंगफली वगैरह आग के चारों तरफ या फिर सन में अंडर द सन धूप में बैठ के खाते होंगे सेकेंड और क्या कर सकते हैं वी कैन सिप हॉट टी गरम चाय या फिर कॉफी पी सकते हैं आप कॉफी ओके आप बुक रीड कर सकते हैं कोई अगर छुट्टियां हैं आपकी वी कैन रीड अ बुक कोई कॉमिक्स आप पढ़ सकते हैं वीडियो गेम्स खेल सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड है uh, या फिर वी कैन ईट हॉट सैंडविचेस ओके तो जो भी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं कोई भी आप थ्री टू फोर एक्टिविटीज़ इसमें लिख देंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट एज मेनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन कौन कौन सी समर्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं कुछ तो यहाँ पे आपको दी हुई है आप स्विमिंग कर सकते हैं स्विमिंग के लिए जा सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है आप उसके बाद गोइंग गोइंग फॉर पिकनिक क्योंकि आपकी छुट्टियाँ होती है समर ब्रेक उसमें पिकनिक या फिर एक दो छुट्टी में पिकनिक के लिए जा सकते हैं किसी हिल स्टेशन जा सकते हैं देन ड्राॅइंग uh, कर सकते हैं ट्रैकिंग कर सकते हैं आप पेंटिंग कर सकते हैं पेंटिंग ड्राइंग इसलिए मैं लिखवा रही हूँ क्योंकि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ भी आपसे पूछी जाएगी कि जो आपने लिखी है उनमें से इंडोर कौन सी है और आउटडोर कौन सी है ओके उसके बाद आप वी कैन प्ले वीडियो गेम्स वीडियो गेम्स खेल सकते हैं वी कैन प्ले कुछ आउटडोर गेम्स के नाम नाम लिख दीजिए जैसे कि वी कैन प्ले फुटबॉल और क्रिकेट ये भी आप खेल सकते हैं ओके okay? तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि आप समर में समर ब्रेक में कर सकते हैं घर पर नेक्स्ट आइसक्रीम खा सकते हैं ऑब्वियसली नाउ ग्रुप द एक्टिविटीज़ इन टू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ जो आपने एक्टिविटीज़ ऊपर लिखी है उनमें से आपको बताना है कि कौन सी इंडोर है और कौन सी आउटडोर है इंडोर जैसे कि आपने वीडियो गेम खेलने को कहा प्लेइंग वीडियो गेम्स ये इंडोर होगी इंडोर की अगर हम बात करें जो आप घर के अंदर खेल कर सकते हैं ड्राइंग आप घर के अंदर कर सकते हैं अगर आपने लिखा था रीडिंग बुक्स बुक्स को पढ़ना यह एक्टिविटी आप घर के अंदर कर सकते हैं उसके बाद अगर कोई और कैरम वगैरह कोई गेम आपने लिखा है समर्स में वो आप घर के अंदर खेल सकते हैं अगर आउटडोर की बात करें कौन सी एक्टिविटीज आप बाहर करेंगे स्विमिंग ऑब्वियसली आपको बाहर जाना पड़ेगा स्विमिंग के लिए आई एन जी ओके नेक्स्ट गोइंग फॉर पिकनिक अगर आपने लिखा है तो वो भी आप गोइंग फॉर पिकनिक गोइंग टू प्ले क्रिकेट या फिर प्लेइंग इसके लिए भी आपको बाहर जाना पड़ेगा यह कुछ एक्टिविटीज है जो कि आपकी आउटडोर यानी कि घर के बाहर जाके करने वाली एक्टिविटीज है।, okay? है जैसे की बज करती है आपकी जो हनी uh, बीज होती है वन इज डन फॉर हनी बीज ज में आप देखेंगे यहाँ पे ज की साउंड आ रही है तो इसको आपको सर्कल करना है ओके नेक्स्ट इज प्राइस इस में तो नहीं आ रहा प्राइज यहां पर ज आ रहा है प्राइज मेज फेस यहां पर स की साउंड आ रही है ज की नहीं फेज आप नहीं बोलेंगे इसे राइस नहीं राइज नहीं ब्लेज यस फिज यस लेस लेसी नो बिजी यस रेसी नो रेज यस रेज यस रेस एस चेज दिस दीज फ्रॉस्टी नो no, इसमें इतने से किसी में नहीं है ये इसलिए बताया गया कि स की साउंड सी की साउंड और ज की साउंड में कई बार आप कन्फ्यूज रहते हैं कई बच्चे इसको मेज बोलते हैं ये मेज है तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए एक्टिविटी आपको दी दीजिए ताकि आपको ज कहाँ पर बोलना है स फेस कहाँ पर बोलना है और राइस का जो राइस का जो स है वो कहाँ पर बोलना है ओके okay? चलिए आगे आते हैं आप इनको चाहो तो प्रोनाउंस करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं नेक्स्ट इज लेट्स लिसन लिसन एंड टेल दिस दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस तो जो आपको साउंड काट की दी हुई है आपकी पोए में दैट इज ट्रंडल ट्रंडल बोलते हैं हम जो एग्जैक्ट uh, अगर exactly, गड़गड़ की आवाज करके जो आपका uh, जो व्हील है उन पर जब कोई काट चलता है ट्रंडल तो ये साउंड ये हो गई ड्रिंक ड्रिंक के लिए यूज़ किया गया है फिज साउंड फिज की साउंड आते हैं जैसे कि सिप आप करते हैं जब उसके लिए ठीक है तो कैन यू मे मेक दिस साउंड कैसे काट चलता है कैसे ड्रिंक जब आप पीते हैं तो क्या साउंड आती है या आपको साउंड uh, बोल के क्लास में दिखानी है वॉट आर सम ऑफ द समिफरेंट साउंड आइसक्रीम मैन कम्स कौन कौन सी साउंड आपको सुनाई देती है जबकि कोई आइसक्रीम मैन आता है तो जोर से कई बार या तो जनरली बेल uh, होती है उसके पास टन टन की या ट्रिंग ट्रिंग की आवाज सुनाई देती है टन टन पता लग जाता है बच्चों को कि आइसक्रीम मैन है या फिर कई बार हो सकता है वो आइसक्रीम जो उसके पास फ्लेवर्स हैं उनके नाम भी जोर से बोलता हो तो जो भी आपको साउंड सुनाई देती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे ये आपके लिए क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है फाइंड आउट एंड राइट पता करिए और लिखिए एंड राइट अ रिपोर्ट हेर इज ए रिपोर्ट ऑन अंकल लाल फार्म अंकल लाल के फार्म की रिपोर्ट यहाँ पर आपको एक दी हुई है फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल डेयरी फार्म फादर मुझे अंकल लाल के डेयरी फार्म को विजिट करने के लिए लेके जाते हैं आई सॉल ऑल ऑफ अंकल लाल काउज मैंने सारे काउज देखे वहाँ के ही हैड फिफ्टी काउज उनके पास फिफ्टी काउज हैं दे ईट ग्रास इन द बिग ग्रीन फार्म वो उसके पास बड़ा सा ग्रीन फार्म है वहाँ पर वो ग्रास खाती है इन द इवनिंग द फार्मर ब्रिंग दैम टू दान टू बी मिल्क शाम को जो फार्मर्स हैं वो उनको बांध में लेके आते हैं उनके बाड़े में ताकि दूध निकाल सके अंकल लाल सेल द मिल्क इन द सिटी और वो शहर में अपने मिल्क को बेचते हैं तो ये इतनी सी इन्होंने रिपोर्ट लिखी है अब आपको नीचे इस टॉपिक पर रिपोर्ट लिखनी है व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट रिमेंबर द फॉलोइंग थिंग्स रिपोर्ट राइटिंग आपके पी वन में आ सकती है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में दी हुई है तो इसको आप देख लीजिए एक बार जब आप रिपोर्ट लिखते हैं पहले तो एक अच्छा सा टाइटल उसको दीजिए करेक्टली लिखिए कीप टू योर सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आपको दिया गया उसी की बातें करिए इधर उधर की नहीं टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर सही ऑर्डर में चीज़ें बताइए मेक योर पेपर लुक नीट अपने पेपर को आपको नीट एंड क्लीन रखना है इन अ ग्रुप ऑफ फोर अब आपकी क्लास के बच्चे चार ग्रुप में बढ़ जाएंगे राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया आपके एरिया में कौन कौन से डिफरेंट ब्रांड्स के आइसक्रीम अवेलेबल है वो आपको मदर डेरी क्वालिटी जो भी आपने देखी हो वो आपको यहाँ पर लिखनी है तो वैसे तो ये आपके लिए है आपके एरिया की बात हो रही है बट मैं आपको फिर भी कैसे लिखना है थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ तो ये देखिए आप लिखेंगे वी विजिटेड द आइसक्रीम शॉप इन आर एरिया हमने अपनी आइसक्रीम एरिया के आइसक्रीम शॉप पे गए डिफरेंट ब्रांड्स डिफरेंट टेस्ट ये ब्रांड होगा अलग अलग ब्रांड के अलग अलग टेस्ट थे क्वालिटी वॉल्स फ्रोजन डेजर्ट इन फ्लेवर क्वालिटी वॉल्स तो फ्रोजन डेजर्ट में फ्लेवर कौन कौन से थे क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि कौन से ब्रांड्स और कौन से फ्लेवर्स उनके बारे में आपको लिखना है तो उसमें फ्रूट एंड नट्स डिवाइन मैंगो विद रियल अल्फोंज़ो अल्फ़ोज़ो एक टाइप ऑफ मैंगो ही है इंडिया का टूटी फूटी स्ट्रॉबेरी ये आपके थे किसमें क्वालिटी बॉल की आइसक्रीम में ये एक आइसक्रीम का ब्रांड है अगर आपने देखा हो नेक्स्ट है एम्बेसी एम्बेसी में क्या क्या थे फ्लेवर चोको चिप बटर स्कॉच उसके बाद अमूल अमूल आइसक्रीम के फ्लेवर्स क्या थे चोको आलमंड एंड केसर बादाम रिच सिरेमल नेक्स्ट वनीला सॉरी रिच कैरेमल वनीला चॉकलेट एसेट एट्सट्रा मदर डेरी के आइसक्रीम के फ्लेवर्स थे अमेरिकन नट्स स्ट्रॉबेरी क्रश काजू किशमिश वनीला दिस आर वेरी डिलीशियस आइसक्रीम सभी बहुत डिलीशियस थी बट अमूल्स केसर बादाम अमूल का केसर बादाम एंड वनीला और वनीला आर द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम इन आर एरिया यह हमारे एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो जितने भी आपको नाम पता हो ब्रांड्स के उनके जो आइसक्रीम के फ्लेवर्स आते हैं उनके वो सब आप इस रिपोर्ट में लिखेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज वॉर्ड बिल्डिंग कलर द बॉक्सेज दट है राइमिंग वर्ड्स उन बॉक्सेज को कलर करिए जिनमें कि राइमिंग वर्ड्स हैं सिटी और कार्ट राइमिंग नहीं है इसको आप कलर नहीं करेंगे हीट स्ट्रीट राइमिंग है ब्लोज गोज यस डू गो नो ऑल दोनों ओ पे ही एंड होते हैं बट ये डू प्रोनाउंस होता है ये गो तो ये राइमिंग नहीं है हार्ड यार्ड बॉल डॉल का सो नो लेबल टेबल आपके राइमिंग वर्ड्स हैं स्काई माई प्ले ओबे रेस स्पेस राइट नाइट ओके okay? तो ये आपके जो सर्कल किए हुए हैं राइमिंग है इनको आप कलर कर देंगे अपनी बुक में नेक्स्ट आते हैं व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब इन द पोएम पोएम में ये वर्ड किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए गए हैं जॉयफुल जॉयफुल क्या है साइट साइट मतलब देखने में जो आपको बहुत जॉयफुल लगे वो लिटिल लिटिल क्या है कार्ट कार्ट जो है वो छोटा है राउंड राउंड क्या है अम्ब्रेला राउंड वर्ड यूज हुआ है अम्ब्रेला के लिए ओके okay? तो ये आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं और जिनके लिए यूज में वो ये है आपके वॉट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग अब नीचे जो चीजें दी गई इनके लिए बताइए कौन कौन से जो आपके वर्ड्स हैं वो यूज हुए माउंट्स माउंट्स के लिए क्या यूज हुआ है कूलिंग ब्राउन एंड वाइट कलर भी बताया गया है उनका ब्राउन एंड वाइट माउंट्स नेक्स्ट डैश फ्लेवर्स फ्लेवर्स के लिए कौन से यूज हुए हैं वनीला क्योंकि तो फ्लेवर के नाम आपको दिए हुए हैं चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी ये फ्लेवर के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज हुए क्लस्टर क्लस्टर के लिए क्या यूज हुआ है एज थिक एज हनी बीज हनी बीज की तरह वो बहुत ठीक है बहुत ज्यादा नंबर्स में क्लस्टर होते हैं बच्चे इकट्ठा होते हैं ओके नेक्स्ट कलर द बॉक्स विद द कलर्स ऑफ फ्लेवर्स मैंशन इन ईच अब ये फन टाइम की एक्टिविटी है ये आपको खुद ही करनी होगी आपको ये जो आइसक्रीम के फ्लेवर्स दिए हुए हैं कौन सा इनका कलर है उससे फिल करना है इसको यहाँ पर चॉकलेट वनीला ऑरेंज ब्लैक करंट स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी बटर स्कॉच एंड पिस्ता इन सभी के कलर से इनको फ़िल कर दीजिए ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम आपकी ड्रीम आइसक्रीम कैसी है वो यहाँ पर ड्रॉ करिए और उसके बारे में डिस्क्राइब करिए उसका कलर कैसा होगा उसका फ़्लेवर कैसा होगा साइज़ कितना बड़ा होगा कैसी वो दिखती होगी टेस्ट कैसा होगा कैसी वो फील करती है एट्सेट्रा हैव यू एवर ईटन कुल्फी क्या आपने कभी कुल्फी खाई है द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया ये नॉर्थ इंडिया की एक आइसक्रीम है खाई है तो आप येस yes लिखेंगे अदरवाइज नो no भी लिख सकते हैं द फॉलोइंग सेंटेंसेज डिस्क्राइब हाउ इट इज सर्व्ड बट दे आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर नीचे आपको स्टेप्स uh, दिए हुए हैं कैसे वो बनती है कैसे सर्व की जाती है ऑर्डर करेक्ट नहीं है लेकिन उनका राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस हर किसी के आगे आपको करेक्ट सेंटेंस लिखना है ही स्कूप आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट कुल्फी को स्कूप आउट करता है निकालता है अंदर से प्लेट के ऊपर देन ही पोर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट उसके बाद वो स्वीट सिरप उसके ऊपर डालता है और सर्व करता है आइसक्रीम मैन की बात हो रही है द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी माउंट आउट ऑफ द पिक्चर वो अपने पिक्चर से अपने घड़े से कुल्फी का एक माउंट निकालता है ही अरेंजिस सम फलूदा अराउंड इट उसके बाद उसके चारों तरफ फलूदा जो है वो अरेंज करता है तो देखिए अगर आपने खाई है आ, कुल्फी तो सबसे पहले वो क्या करता है कुल्फी वाला कुल्फी माउंट्स निकालता है अपने पिक्चर से उसके बाद स्कूप आउट करता है कुल्फी को प्लेट के ऊपर सेकेंड नेक्स्ट थर्ड में वो अरेंज करता है फलूदा उसके चारों तरफ नंबर थ्री और सबसे लास्ट में वो उसके ऊपर कुछ स्वीट uh, सिरप जो है उसके चारों तरफ डालता है और उसको सर्व करता है ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये थे आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इसके बाद बहुत जल्दी इसकी क्विज और वर्कशीट भी अपलोड कर दी जाएगी सो so, उनके लिए वेट करिएगा ओके थैंक्स अगेन